यार तू तो कामयाबी का हिमालय है, साल का बॉक्सिंग चैंपियन तू, बेस्ट क्रिकेटर तू, तो फिर क्रॉस कंट्री रेस से क्यों भाग रहा है? इसका गोल्ड मेडल भी तो तेरा ही है। हाँ, हर साल तू अपने गांव में 10 तारीख को पहुंचता था, अब इस साल 15 को पहुंचेगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? सिर्फ 4 दिनों की ही तो बात है। ये 4 दिन किसी के लिए 4 साल की तरह बीतेंगे मेरे दोस्त। इन 4 दिनों का एक एक पल किसी के लिए एक एक युग की तरह बीतेगा, जो मेरी छुट्टियों के साथ मेरे लौट आने की राह में पलकें बिछाए रहती है। ये 4 दिन उससे काटे नहीं कटेंगे। We'll be right back.
जानू जानू रे कहे झमके है तोरा झुमका। जानती है ना, फिर क्यों रोक रही है मेरा रास्ता? आज पिक जाने दे मुझे उसके रास्ते में, वो आज आ रहा है। वो आज नहीं आ रहा है पूजा, उसका तारा है कि वो चार दिन बाद आएगा। क्या? हाँ हाँ, केदार चाचा ने मुझे खुद बताया है। ओ। अरे पगली, इतने उदास होने की क्या बात है? चार दिन बीतते को उन्हें चार महीने लगते हैं। कोई जरूरी काम आ पड़ा होगा, वरना वो भी रुकने वाला था। अरे तेरे बिना वो भी तो उदास होगा, जल्दी आने के लिए तड़प रहा होगा बेचारा। हाँ हाँ, तड़प ही रहा होगा, और यहाँ आने के बाद और भी तड़पेगा, क्योंकि वो तो आ रहा है चार दिन बाद, और मैं चली जाऊंगी यहाँ से दो दिन के बाद। चली जाऊंगी? कहाँ जा रही तो दो दिन के बाद? अपने ननिहाल, अपनी माँ के साथ। वहाँ रिश्ते में कोई शादी है, और लगे हाथ मेरी माँ मेरी शादी अपने गाँव के किसी लड़के के साथ तय कर देना चाहती है। तो फिर सूरज? वो तो चार दिन बाद आएगा ना, आने को। अब देख बसंती, इन चार दिनों में तो कुछ भी हो सकता है ना, फिर मुझे दोष मत देना। तार आया है। हे अंतर्यामी, तुझसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। मैं जा तो रही हूँ अपनी भतीजी की शादी में, लेकिन अपनी बेटी को जिस मनोकामना से साथ लिए जा रही हूँ उसे भी पूरा कर दे। मेरा मायके वाला लड़का विजय प्रताप मेरी बेटी का रिश्ता मंजूर कर दे, और अगर मेरी बेटी की डोली जल्द से जल्द उठे तो मैं तुझे सोने का छत्तर चढ़ा दूं, और मैं 101 भूखे नंगे भिखारियों को भोजन कराऊंगी। बस प्रभु, ये जो मांग रही है ना, इसकी मुराद पूरी कर दे। ऐसी कुछ माया दिखा प्रभु कि इसकी बेटी जिस डिब्बे में बैठे वो डोली बन जाए, और नाक की सीध में उसके ससुराल में ही जाके रुके। हे प्रभु, लड़के वाले दुल्हन को हाथों हाथ ले जाए, ताकि मेरे बेटे का इसकी बेटी से पिंड छूटे। तुझे जो भी मांगना है अपने कपूत के लिए मांग ले, लेकिन मेरी पूजा में क्यों विघ्न डाल रही है? अरे पिंड तो मेरी बेटी का छूटेगा तेरे घर के भूत से। अब देखना कितने बड़े घराने में ब्याह रचाऊंगी अपनी बेटी का। अरे तू उसे बड़े घराने में डाल या भाड़ में जो, मुझे उससे क्या लेना देना। मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि तेरी नागन बेटी का ब्याह हो जाएगा, तो मेरा गबरू बेटा मेरे हाथ तो आएगा। फिर देखना ऐसी दुल्हन लाऊंगी उसके लिए कि तेरा और सारे गांव का कै कै बंद हो जाएगा। मैं भी किस कीचड़ में पत्थर फेंक रही हूँ, अब तेरे जैसे के मुंह कौन लगे। हा? थोड़ी देर यहाँ रुकी तो मेरी भी गाड़ी छूट जाएगी। हा? बेटी का शगुन करके लौट तो आने दो, फिर देखती हूँ तेरे को। हाँ हाँ, देख लेना, जल्दी जा वरना गाड़ी छूट जाएगी तेरी। भगवान करे आज इसकी गाड़ी डबल लेट आए, इन माँ बेटी को लिए बिना गार्ड सीट ही न बजाए, इसकी गाड़ी में डबल इंजन लग जाए, ताकि इन दोनों की डबल टिकट कट जाए। यार चौधरी, चौधराइन पूजा बिटिया को लेके मायके गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पूजा बिटिया के हाथ पीले करने के चक्कर में हो? दाल भात का कौर है क्या जो हाथ पीला कर देंगी? मैंने तेरे साथ अंगूठी की अदला बदली इसी शर्त पर तो की है कि चाहे सूरज पूरब से पश्चिम हो जाए, मेरी बेटी की शादी होगी तो तेरे बेटे सूरज के साथ ही। भाई अपनी बीवियां चाहे कितना ही सर टकराएं, अरे जब हम दोनों राजी तो क्या करेगी करेले की भाजी। तुमने कहा और मैंने मान लिया, यही ना कि चौधरी की जुबान है टस से मस ना होगी, और मैं निश्चिंत होकर हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं। लेकिन कहीं चौधराइन पूजा बिटिया का ब्याह करके यहाँ लौटे तो? अरे कैसे ब्याह कर देंगी, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, ऐसा तीर मारा है कि चौधराइन उल्टे पाँव भागी चली आएंगी यहाँ उल्टे पाँव। कैसे कैसे? बाबूजी, बा, आ ना माँ। अरे हाँ, तुम्हारे बाबूजी को भी आज ही बीमार होना था। अरे अरे, तुम तो अच्छा भले हो। हाँ हूँ तो, तुम्हें कुछ तकलीफ हुई मुझे अच्छा भला देखकर? नहीं नहीं, मुझे क्यों तकलीफ होने लगी, बल्कि तुम्हें अच्छा भला देखकर मेरी तबीयत कुछ खिली गई है। मगर तुमने अपनी झूठी बीमारी का तार भेजकर ये कौन सा गुल खिलाया है? तार? ये तुम क्या कह रही हो गुड्डो, मैंने तो हरदेव से मनी ऑर्डर भिजवाया था। अच्छा, मनी ऑर्डर भिजवाया था, तो तुम्हारा मतलब आजकल पोस्ट ऑफिस से निकलता है मनी ऑर्डर और पहुंचता है तार? अरे तुम मुझे क्यों मार रही हो, लगता है उस खनचक्कर हरदेव ने जहाँ तार भेजना था वहाँ मनी ऑर्डर भेज दिया, और जहाँ मनी ऑर्डर भेजना था वहाँ तार भेज दिया। अरे तुम तो तार को रो रही हो, मेरे तो 2000 रुपए गए। रहने दो रहने दो, ये नाटक मैं सब समझती हूँ। तुमने झूठा तार भेजा था? मैं पूछती हूँ, तुमने झूठा तार भेजा था? भेजा तो था गुड्डो। चुप। गुड्डो। गुड्डो। हाय राम, ये किस जन्म का बदला लिया तुमने मुझसे? इसी जन्म का, अगले जन्म में तुमसे राम बचाए। क्या? मेरा कहने का मतलब ये था कि अपनी भतीजी की शादी के बहाने तुमने मेरी बेटी के हाथ पीले करने चाहे, और वो भी मेरे परमिट के बगैर, तो ये तार भेजकर तुम्हें झटका तो दे रही था। मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें ये बिल्कुल गवारा नहीं है कि मेरी बेटी की शादी वहाँ हो जहाँ मैं चाहती हूँ। जाहिर है, क्योंकि तुम्हें ये गवारा नहीं कि हमारी बेटी की शादी वहां हो जहां हम चाहते हैं। चल, न तेरी ना मेरी,
एक काम करते हैं गुड्डो, गुड्डी की शादी उसी से करवाते हैं जो गुड्डा ही पसंद कर ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान, मैं अपना सर पटक पटक कर गई थी तेरी चौखट पे कि मेरी बेटी का रिश्ता पक्का करा दे, मगर तुमने मेरी एक न सुनी, भिजवा दिया झूठा कर। अब फिर वो नासपिता लड़का मेरी नासमझ बेटी के पीछे पड़ गया है, उसने मेरी बेटी की मति मार दी है। तू उसे लूला लंगड़ा अपाहिज कुछ भी बना दे, मैं सवा सेर लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाऊंगी। सवा सेर क्या, मैं तुझे सवा सौ सेर लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी अगर तू दूसरों की बर्बादी चाहने वाले कसाईयों की कलाइयों पर बिच्छू दौड़ा दे तो। मेरे बेटे ने तेरी बेटी की मति नहीं मारी, बल्कि तेरी बेटी मेरे बेटे पर जादू करके उसे नचा रही है। गई थी ना बड़ी अकड़ कर कि मेरी बेटी का रिश्ता किसी बड़े खानदान में करूंगी। क्या हुआ, कोई लंगड़ा लुल्ला लल्लू पंजी भी नहीं मिला क्या? मैं तो जानती ही थी कि इसकी कुलक्षिणी को सिंदूर तो क्या कोई घास भी नहीं डालेगा। अरे जा जा, मेरी परी जैसी बेटी को तो एक से एक राजकुमार मिल जाएंगे। तू अपने जटायु की सोच, उसके खूंटे से किसी गाय भैंस को बांध, वरना तेरा वंश तो डूबा। ओफो, ये तो हिल ही नहीं रहा। तुम लोगों को धकेलना ही नहीं आता है, धकेलो ठीक से। इतनी मोटी हो कैसे धकेलेंगी? ए, चुप रह। अरे गोलू, बुरा क्यों मान गई? अरे नहीं बहन, तो मोटी नहीं, झूला खा। पूजा, अरे ओ पूजा, आ गई तू? और ये चुपके चुपके कहाँ भागी जा रही है? चल झूला झूले। अभी नहीं अभी नहीं, मैं जल्दी में हूँ। कहे की जल्दी, अरे अब तो हल्दी भी लग गई तुझे, अब किससे मिलना है? पहले तो अपने हाथ पीले करना, फिर मेरे देखना। अब छोड़ दो मेरा रास्ता, जाने भी दो ना। अच्छा ये तो बता कैसा है वो? अच्छा है, हा? सेहत से। हा? तू उसके सामने थोड़ी सी तुबली ही लगेगी। फिर तो उसकी और मेरी जोड़ी खूब जमेगी। छोड़, मेरा लगन वहाँ करा देना। करा देंगे करा देंगे। ये झुमके उसी ने दिए है ना? जी नहीं, उसकी अम्मा ने। अभी और भी कुछ पूछना है या मैं जाऊं? पूछना तो बहुत कुछ है, पर जाने देते हैं तुझे। बेचारा सूरज झरने पे तेरा इंतजार करते करते सूख गया होगा। सूरज, 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 नाराज हो मुझसे? जी नहीं। पर मैं क्या करती, रास्ते में सहेलियों ने रोक रखा था। आज तो सहेलियों ने रोक लिया, कल क्या ससुराल वालों ने रोक रखा था? ओहो, तो नाराज की हमारे देर आने से नहीं, ससुराल वालों से ज्यादा है। पर अभी तक तुमने उनके बारे में सुना ही क्या है जिनको मैं देखने गई थी? अरे क्या सुनना, होगा कोई टेढ़ा मेढ़ा। अरे जाजा, तू देखेगा ना तो जल भुन के भुट्टा हो जाएगा। क्या दिखता है वो, ट्रैक्टर चलाता है तो एक्टर लगता है, अंग्रेजी बोलता है तो हिंदी हिल जाती है, और हिंदी बोलता है तो अंग्रेजी हिल जाती है। गोरा चिट्टा मूछो वाला बाका छोरा है मेरा। अरे जाजा, बहुत देखे उसके जैसे। कोई नहीं है उसके जैसा, जब से मैंने उसको देखा है न रात दिन का चैन न रातों की नींद। तो फिर तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए आज मैं भी तुम्हें हकीकत बता ही देता हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हारे लिए रुका हुआ था, पर दरवाजे पर सौ सौ रिश्तों की लाइन लगी हुई है, जिस किसी के साथ चाहूँ मंडप सजा लूँ। इतनी गलत फहमी में मत रहना कि इतनी सारी लड़कियाँ तुम्हारे साथ फेरे लेने के लिए तैयार है, एक मैं ही हूँ जो तुम्हें आज तक बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना वरना छोटी आँख कितना लंबा बिजली।
लगती है गोटी, इतनी छोटी लगती है गोटी, सूखे गाल रूखे बाल, जारी जा शहजादी, अरे जारी जा शहजादी, तुझसे कौन करेगा शादी, शादी कौन करेगा शादी। मन मेरा
अपनी भोली मीठी बोली गोरा रंग खिलता अंग आरी आ शहजादी अरे आरी आ शहजादी तुझसे मैं करूंगा शादी शादी मैं करूंगा शादी लाहौल स्पीति की पहाड़ियों में विजयगढ़ नाम का एक किला है। उस किले का राजा राय बहादुर अमेरिका में रहता है। हमें खबर मिली है कि उनकी गैर मौजूदगी में प्रिंस रोनी और दूसरे मुलाजिम बड़े पैमाने पर गैर कानूनी धंधा करते हैं। उन पर हाथ डालने के लिए कानून को ठोस सबूत चाहिए और वो सबूत हासिल करने का जिम्मा हम तुम्हें सौंपते हैं। That suits me perfectly, sir. मुझे ऐसे मौकों की तलाश हमेशा रहती है। शेर की गुफा में जाकर उसका शिकार करके उसकी खाल उतारने में मुझे बहुत मजा आता है। I know that. तुम कल ही उसी इलाके में जाओ, किले के आसपास रहने वालों से मेल जोल बढ़ाकर जानकारी हासिल करो, किले में घुसकर सारे सबूत हमारे सामने पेश करो। डन सर। मैं इस किले की ईंट ईंट में छिपे हर राज का पर्दाफाश करके सबूत समेत आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। आई विल वेट फॉर यू। कहीं मैं गलती से किसी बाग बगीचे में तो नहीं आ पहुंचा? हाँ? जी नहीं, आप बाग बगीचे में नहीं, हम ही रास्ते के बीच में चल रहे थे। सॉरी। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। कमाल है। नाइस टू मीट यू, आई एम अमर। आई एम सूरज और ये पूजा। हाय पूजा, आप लोग पास ही में रहते हैं? यही। जी हाँ, वो सामने वही कहीं एक किला भी है ना? हाँ, विजयगढ़ का किला बहुत बड़ा किला है। और मैंने तो सुना है कि बाहर भीतर से बहुत आलीशान है, देखा है क्या? जी नहीं। और तुमने? आहा, मैंने भी नहीं देखा। एक तरह से वो किला बंद ही रहता है। दरअसल मैं किलों के बारे में एक किताब लिख रहा हूँ, इसलिए सोच रहा था कि अगर मुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसने किला देखा हो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इस गाँव में तो कोई भी नहीं है ऐसा। लोग उस किले में जाने से डरते हैं, जरूर वहाँ कोई भूत प्रेत रहता होगा। आसपास के लोग तो कहते हैं कि वहाँ तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, गोलियों की भी आवाजें सुनाई देती हैं। मेरी बात मानिए, आप वहाँ मत जाइए, वहाँ तो खतरा है। खतरा तो मुझे इस तरह खींचता है जैसे लोहे को चुंबक। अब तो मुझे किले में जाना ही पड़ेगा। ओके देन, ऑल द बेस्ट, बाय। वाह, अद्भुत अजय, ये गगनचुंबी अट्टालिकाएं, ये सुदृढ़ प्राचीरें, समय की रेत पर पड़े हुए ये अमिट पदचिन्ह, ऐसा विशाल दुर्ग तो मैंने पूरे देश में नहीं देखा। ओए, तू कौन? महोदय, मैं इतिहासकार शास्त्र तीरथ शास्त्री हूं। प्रणाम। अपना नाम छोड़, मेरा नाम सुन। शेर सिंह पेड्रो, पेड्रो साहब, अंदर नहीं जाने दूंगा, नॉट एट ऑल। और कुछ है तो बोल। वार्ता मात्र इतनी है द्वार रक्षक कि मुझे अंदर प्रवेश करने की अनुमति चाहिए। क्योंकि ये भीम काय सिंह द्वार जैसे पर्वत पठार, ये इतिहास का प्राचीन प्रकाश। ए इतिहास के भगोल, यहाँ इधर खड़ा होके बोल, यहाँ। ये क्या है? ये तो व्रत है महाबली। व्रत कुछ भी है, इसमें खड़ा हो, अब बोल। आप शांति पूर्वक सुने महाबली। मैं इस महान दुर्ग पर एक पुस्तक लिख रहा हूं। आह, क्या चरित्र, विचित्र। एक चित्र, एक क्षण मेरे मित्र, एक क्षण, एक मधुर मुस्कान शेर सिंह। अब ये चित्र मेरी पुस्तक में छपेगा और सारा विश्व देखेगा। शेर सिंह जी, इस पुस्तक से जो धनराशि मुझे प्राप्त होगी उसका एक अंश अग्रिम राशि के रूप में आप अपने ही बनाए हुए व्रत में ग्रहण करें।
बलशाली की जय हो। ओए, ओए, ओए। मेरी राजपूती शान को रिश्वत देना चाहता है? शेर सिंह पेड्रो की ईमानदारी से खेलेगा तो मरेगा। चल निकल यहाँ से परमानेंट। अगर तूने पुस्तक लिखनी है तो लाल किले पर लिख, रानी झांसी के किले पर लिख, टीपू सुल्तान के किले पर लिख। तू इस किले के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इस किले पर इतिहास तो क्या, मैं तुम्हें एक चिट्ठी ना लिखने दूं। चल बाहर। नहीं, चल बाहर, चल परमानेंट आउट। क्या हुआ शेर सिंह जी, कौन है ये? अरे यार, तू कहां मर गया था? इसको करने को इतना टाइम लगता है? बलड़ी फूल, बंद कर गेट। इतना सख्त पैरा, जरूर ताल में कुछ काला है। और कोई रास्ता नहीं, किसी रात को दीवार फांद कर ही अंदर जाना होगा। पूजा, ओ पूजा, चाची, चाची, कैसी हो? बस अच्छी हूँ। क्यों, आज चारों मिलकर कहाँ छापा मारने जा रही हो? अब छापा मारने की गुंजाइश ही कहाँ रही चाची। क्यों, आजकल थोक के भाव से शादियाँ हो रही हैं। अच्छा, अब हम जो दो चार छुट्टे बच गए हैं ना, बस नाच गा के दिल बहला लेते हैं। अच्छा, तो ये नाच गाने का ठुमका लगाने जा कह रही हो? अरे चाची, वो रघुवीर सिंह के भतीजे की बारात गई है ना आज। अच्छा, तो उनके यहाँ रतजगा है, गांव की सारी लड़कियाँ जाएंगी। हम तो तुम्हें ये कहने आए कि पूजा को भी रतजगे में भेज देना। हाँ। मैं नहीं भेजने वाली पूजा को वहाँ पे। अरे वो बिमला का बेटा फिर उसके पीछे रघुवीर के घर तक पहुँच गया था। उसका नाम लिया ना तो मेरे तन बदन में आग लगती है। अरे अरे, तू अपने आप को ठंडा रख चाची। अरे सूरज की ये मजाल जो रघुवीर सिंह के घर तक चला है। हाँ चाची, वहाँ तो सिर्फ लड़कियाँ ही आएंगी। फिर भी किसी तरह वो पूतना का कपूत वहाँ अटपका था। इसका भी इलाज है। हाँ, चौकीदारी करने के लिए तुम भी चली जाना ना पूजा बिटिया के साथ, बल्कि हाथ में डंडा और मुसल भी ले जाना। हाँ? ताकि जैसे ही सूरज दिखे कि तुम्हारा डंडा और उसका सर। क्यों बसंती? हाँ? हाँ? हाँ, 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 चाची, हाँ। ये क्या, हाँ हाँ इतनी बार क्यों? तो फिर पूजा तैयार है ना? हाँ, बहुत देर कर दी तुमने। नमस्ते चाची, हम लोग अंदर जाएं? हाँ, हाँ। राम राम चाची। अरे आ गई तुम। लेकिन तुम यहाँ बैठे पहरा क्यों दे रही हो? क्यों? अरे चाची, हम सब लड़कियाँ ही तो हैं यहाँ। तुम भी ऊपर आओ, साथ में नाचेंगे गाएंगे। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। तुम लोग जाओ नाचो गाओ, मेरा काम सिर्फ पहरा देना है। चलो बाबा जाओ। चाची, राम राम चाची। अरे आ गई तू बसंती। आ गई चाची। हा? निकल जाओ। जा, तेरा डर थोड़े ही है मुझे। मगर चाची, हा? तुमने मेरी तलाशी ली ही नहीं। क्यों? देखो तो मेरे पल्लू में क्या है। क्या है? अरे खोल के तो देखो, कहीं सूरज तो नहीं? ये ले जाके सूरज को दे दे और उससे कहना कि चाची से जरा संभल कर आए। हाँ जा। अरे तू उल्टे पर कहाँ जा रही है, और ये क्या है? अरे चाची, ये हकीम ताराचंद की अचकन और साफा है। अच्छा। मैं अभी भेष बदल कर आ जा जल्दी। इन लड़कियों के पाँव तो जमीन पर टिकते ही नहीं है, न जाने क्या क्या सॉन्ग रचाती रहती है। चाची, अरे कैसे लगती हूँ, हकीम ताराचंद नजर आती है? हाँ, बिल्कुल लग रही है तू। अरे ओ हकीम ताराचंद, जरा जाते जाते मेरी नफ्स तो देखो। देखो तो सही, ये ठीक चल रही है कि नहीं? तेज है जरा, धीमी करो चाची। कैसे धीमी कर दूं, वो सूरज है ना मेरे सर पे चढ़ा बैठा है, बस उसे कुछ हो जाए ये अपने आप धीमी हो जाएगी। वो भी हो जाएगा चाची। हुँ? हकीम ताराचंद के पास हर मर्ज की दवा है। हुँ? उसे एक गोली दे देगी। सच? हाँ, चलती हूं। जाओ।
मेरी आंखों में धूल झोंक कर अपने खानदान का नाम उछाल रही थी। अरे गुड्डो खोल दो ना ताला। अरे ये जरूरी नहीं कि आंखों देखी बात हमेशा सच हो, तुम्हें धोखा भी तो हो सकता है। धोखा? और मुझे? उस सूरज को हकीम ताराचंद बनाकर कोठे पे बुला रही थी, उसे अपनी नब्ज दिखा रही थी। नब्ज? बेशरम। मैं? तुम नहीं वो। पर माँ तू भी तो उसे नब्ज दिखा रही थी। क्या कहा? ये भी उसे नब्ज दिखा रही थी? हाँ बाबूजी, जब ये मेरी माँ होके धोखा खा सकती तो फिर मैं क्या करती? सही है, ये क्या करती? अरे ये सब तुम लोगों की चाल थी। तुम लोगों ने उसे अचकन टोपी दाढ़ी लगवा कर हकीम ताराचंद बनाया और उसे कोठे पे बुलाया, मुझे सब मालूम है। पर माँ मुझे क्या मालूम सूरज वहाँ क्यों आया था? मैंने तो नहीं बुलाया था, वो बेला से मिलने आया था। चाहो तो बसंती से पूछ लेना। छिपकली सी छोरी माँ की आंखों में धूल झोंकती है? अपने पेट से पैदा किया है तुझे और तेरे पेट के हर मरोड़ को पहचानती हूँ मैं। बेला से मिलने आया था, बसंती से पूछो। कुछ नहीं पूछना है मुझे और कुछ नहीं सुनना, पड़ी रहे अंदर। मैं अंदर रहूंगी माँ, तो तेरे पाँव कैसे दबाऊंगी? तू बाहर आएगी ना तो मेरी गर्दन दबाएगी, तू अंदर ही रहे। तेरे जैसी जन्म जली बेटी भगवान दुश्मन को भी ना दे। देखो तुम पूजा बिटिया को जितनी सजा देना चाहती हो दे लो, लेकिन इस तरह उसे कोसो मत। अरे गुड्डो ये वही बेटी है जिसे तुम आंखों की पुतली और कलेजे की ठंडक कहा करती थी। माँ माँ यह बहुत गर्मी है माँ। बर्फ की सिल्ली भिजवा देती हूँ, ठहर जा। मेरे बिना खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा तुझे। भरपेट खाऊंगी। अरे बेटी को ताला मारकर तुझे रात भर नींद नहीं आएगी। खर्राटे मार के सोऊंगी। बहुत जुल्म कर रही हो माँ, भूल गई मैं तुम्हारी इकलौती बेटी हूँ। मैं भी तुम्हारी इकलौती माँ हूँ। यह मच्छर छिपका लिया बहुत है माँ। बाहर और ज्यादा है। माँ मैं जानती हूँ तुम अभी बहुत गुस्से में हो, तुम्हारा जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर आराम से ताला खोलना। हाँ बेटी एक घंटे में खोल देगी ना। एक महीना नहीं खुलने वाला ताला। तेरी महिमा अपरंपार है प्रभु, तूने तो चमत्कार कर दिया। उस कुलक्षिणी की माँ ने उसे ताले में बंद कर दिया। अब ऐसा कुछ कर प्रभु कि ना जिंदगी भर वो ताला खुले ना वो मेरे बेटे से मिले। अगर ऐसा हो गया ना प्रभु तो मैं तेरे द्वारे घी के दिए जलाऊंगी, जिंदगी भर तेरी धुनी रमाऊंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबूजी देखिए ना बाबूजी, ये माँ ने रोज रोज क्या लगा रखा है। सुबह ताले में बंद कर देती और शाम को खोलती है, मुझे बाहर भी जाने नहीं देती। ये सब कुछ क्या हो रहा है? धीरे बोल बेटी धीरे, वो बाहर ही बैठी हुई है। तो फिर कुछ कीजिए ना बाबूजी। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हो रहा है? पेट में कुछ उल्टा हो गया। इसकी जो अरे ले जा, दिल दिल जल रहा है, हड़बड़ मचा रहा है। क्या क्या बीमारियां होती है आपको, ले जाओ बिल्कुल हिलना नहीं। गुड्डो तुम बाप बेटी दोनों एक दिन जान ले लोगे मेरी, तुम ले जाओ बिल्कुल हिलना नहीं, मैं अभी आती हूँ। गुड्डो जल्दी जल्दी डॉक्टर। जल्दी कीजिए बाबूजी। ओह बाबूजी आप कितने अच्छे हो। अच्छा बाबूजी अरे अब फिर अच्छे हो गए? क्यों मुझे फिर ठीक देखकर तुम्हें फिर तकलीफ हुई? अरे ये ताला किसने खोला है और पूजा कहाँ है? अपनी सहेलियों से मिलने गई। तुम पूजा को छोड़ो या मेरे पास बैठो, आज मैं तुमसे कुछ गंभीर बात कहना चाहता हूँ। अब और क्या गंभीर बात करना चाहते हैं? बेटी को तो भगा दिया, लौट कर आने दो उसे, डंडा लेकर बैठती हूँ। आज उसके पाँव नहीं तोड़े तो मैं भी उसकी माँ नहीं। आखिर इतना जुल्म क्यों गुड्डो? जब बेटी अपनी है तो उसकी पसंद अपनी क्यों नहीं? मुझे तो सूरज में कोई अवगुण नजर नहीं आता, वो पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान से है, नेक है, शरीफ है, आखिर क्या खोट है उसमें? खोट इतना ही है कि वो उस बिमला का बेटा है। भगवान ने चाहा तब सब शुभ ही शुभ होगा। आज पिताजी ने हिचकी का बहाना बनाकर ना ही सिर्फ मुझे ताले से छुड़वाया बल्कि ये भी कहा कि वो माँ को मनाकर जल्द से जल्द हम दोनों की शादी करा देंगे। ये इतना आसान नहीं पूजा, तुम जानती हो मेरी और तुम्हारी माँ ये कभी नहीं होने देगी। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है कि अगर हमारे साथ कोई जबरदस्ती हुई तो हम घर छोड़कर भाग जाएंगे। बुरी बात। अरे अमर साहब आप? हाँ मैं। किले का काम पूरा हुआ नहीं तो पास ही गेस्ट हाउस में रहता हूँ। लेकिन आप दोनों ये घर से भाग जाने की बात क्यों कर रहे हैं? अब देखिए ना अमर साहब, हम शादी करना चाहते हैं, हम राजी, हमारे बाप राजी, लेकिन हमारी माए तो रास्ते का रोड़ा बनी हुई है। अरे तो इसमें घर से भाग जाने की क्या बात है? जो नहीं समझते उनको समझाना चाहिए। घर बार माँ बाप को छोड़कर भाग जाने से अगर प्यार करने वालों की तकदीरें बन सकती हैं तो फिर माँ बाप के आशीर्वाद और
शादी ब्याह की जरूरत क्या है? जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, उसी तरह तुम्हारा प्यार तुम्हारे माँ बाप के आशीर्वाद के बिना अधूरा है। पूजा, तुम्हारी माँ से हम बात करेंगे, चलो। अरे आप नहीं जानते अमर साहब, मेरी माँ तो बहुत कड़क है, अभी भी बैठी होगी दरवाजे पे डंडा लेके मेरे इंतजार में। अच्छा, तो ये बात है। चलो भाई सूरज, ये भी देखते हैं कि इंस्पेक्टर अमर की छोटी बहन पर उसकी माँ कितना रोब झाड़ती। इंस्पेक्टर? यस। गुड्डो, ये डंडा तो फेंक दो। नहीं फेंकूंगी। इतने बड़े डंडे से मारूंगी क्या बिचारी को? चुप। गुड्डो, अब गुस्सा थूक भी दो। नहीं थूकूंगी, आज तो मेरी खैर नहीं। देखो मैंने कहा था ना, माँ के हाथ में डंडा है कई काम से। अरे तो डरती क्यों हो तुम? चलो मैं आ रहा हूँ। चलो मैं आ रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा ना डरो मत। चलो आ गई कुल का नाम रोशन करके। जी भर गए तेरे उस माटी मिले के गले लग के। पर मैंने क्या किया है माँ, अभी बताती। बाप के शह पे उड़ती फिरती रहती है, आज तेरी हड्डी पसली नहीं तोड़ी ना तो मेरा नाम भी बाबूजी बता रही है तू। बाबूजी कहाँ जाएगी तू? अरे गुड्डो, अरे आज तो सही बात है। बाबूजी बाबू, आज बाबूजी क्या हो रहा है? आप? मैं कुछ भी करूँ तुम्हें इसे मतलब? ये मेरी बेटी है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? मैं रोकने वाला कौन होता? अरे मैं वो हूँ जो तुझे डंडे पड़वा सकता हूँ, जेल भिजवा सकता हूँ और चक्की भी पिसवा सकता हूँ, समझी? मैं हूँ सीआईडी इंस्पेक्टर अमर। हाँ क्या, और जो तेरी बेटी ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी ना, वो आज मैंने अपने कानों से सुनी है और अपनी आंखों से देखी है। चल थाने। यानी तुम पुलिस वाले हो? और क्या, चने बेचने वाला हूँ। तुम मुझे थाने लेके जाओगे? हाँ। अरे सुन रहे हो पूजा के बापू? अरे हाँ हाँ सुन रहा हूँ भगवान। तो हुजूर आपको भी पता चल गया कि इसने दो दिन तक पूजा बिटिया को बिना दाना पानी दिए ताले में बंद रखा, इसे रुलाया तड़पाया। हाँ देख रहा है मुझे इतना बड़ा डंडा सबूत के तौर पे। चाल थाने के अंदर। दुआ इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दो, मैं नरक में जाऊंगी अगर अपनी फूल जैसी बेटी को फिर से मैंने सताया तो। मैं इनकी कसम खा के कहती हूँ मैं अब कभी नहीं सताऊंगी। अरे तुम भी कुछ बोलो ना। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस बार इसे माफ कर दीजिए, ये अब पूजा बिटिया से कुछ नहीं कहेंगी। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपकी जमानत पर इन्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन आइंदा मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। और मैंने ये भी सुना है कि पूजा को कोई चार पांच गांव के बदमाश छेड़ते रहते हैं, उन्हें तो कल मैं देख लूंगा। और चौधरायन, आज के बाद अगर तूने इसे तंग किया या इसकी आंखों में आंसू आए तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। कहां डाल दूंगा? जेल में। 3 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। क्या पिसवाऊंगा? चक्की। हाँ अब मैं जा रहा हूं, और ये डंडा इसको मत देना। चल गुड्डो, अब तो तुमने मेरी कसम खा ली। ब्यूटीफुल, मार्वेलस, सिंपली वंडरफुल। क्या गिटपिट लगा रखी है? ये गिटपिट नहीं, अंग्रेजी है मैडम, अंग्रेजी। या? मुझ जैसे ग्रेजुएट से शादी करनी है तो अंग्रेजी और सीखनी पड़ेगी। ये जो तुम रटती रहती हो ना, CAT कैट, RAT रैट, इससे काम नहीं चलने वाला। जानती हूँ, इससे काम नहीं चलने वाला, इसीलिए मैंने और भी अंग्रेजी सीख रखी है। CAT कैट, RAT रैट ही नहीं, मुझे HAT हैट भी आता है। वाह 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 वाह, इतनी तरक्की की है अंग्रेजी में कि तबीयत खुश हो गई। तुम्हारी अंग्रेजी पर तो पूरे इंग्लैंड में आग लग जाए। कम या पूजा, मैं सोच रहा था कि तुम अगर सचमुच की मेम होती तो छोटे बाल, काली हैट, लंबे लंबे गाउन और हाथों में काले दस्ताने। तेरे दिल में हूँ मैं, मेरे दिल में है तू, सिलसिला प्यार का हो गया अब शुरू। तेरे दिल में हूँ मैं, मेरे दिल में है तू, सिलसिला प्यार का हो गया अब शुरू। दुनिया न जाने हम तो है ना बर्ड्स, कोई न माने हम तो है ना बर्ड्स।
ब्यूटी कहाँ, तेरी बाहों में है मेरा जान। दुनिया न जाने हम तो है लवर्स, कोई न माने हम तो है लवर्स। पुलिस, तुम लोग यहीं ठहरो। राम राम इंस्पेक्टर साहब, आप काहे को तकलीफ की यहाँ आने की? अब तो यहाँ बिल्कुल सब ठीक ठाक है। आजकल तो मैंने पूजा बिटिया को फूल से भी मारना छोड़ दिया है। कसम भगवान की, आजकल सब जगह यानी मेला वेला, बाजार बाजार, पनघट वनघट, सब जगह मैं पूजा बिटिया को ही भेजती हूँ। देखिए ना, देखिए, इस वक्त भी वो घर में नहीं है, अपनी सहेलियों के साथ घूम रही है। अब तो मेरे लिए हथकड़ियाँ नहीं है ना? ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो मौसी? मैं इस घर में हथकड़ी नहीं, रिश्ता लेकर आया हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं मौसी? नहीं। अरे मैं बलरामपुर के जगह चौधरी का बड़ा लड़का विजय प्रताप चौधरी हूँ। अरे तो ये तू है? हाँ मौसी, प्रणाम। जियो बेटे। तो फिर ये वर्दी? पुलिस की। अच्छा, तू पुलिस में है? हाँ। तू पुलिस में है? हाँ मौसी। आओ अंदर आओ बेटा। नहीं नहीं, बाहर ही बैठते हैं। जरा गांव वालों को भी देखने दो कि चौधरायन के घर बड़ा पुलिस अफसर आया है। बैठो बेटे। तू मेरे घर पूजा का रिश्ता लेकर आई थी मौसी। हाँ। लेकिन मैं तुमसे मिल ना सका, ट्रेनिंग पर था ना। हाँ। लौट कर आया तो पता चला कि तुम पूजा की फोटो छोड़ कर आई थी। पूजा तो लाखों में एक है। माँ ने पूछा है मौसी की मुहूर्त कब का निकलवा रही हूँ।
अरे बस समझ ले मुहूर्त निकल ही गया। मुझे तो इसी दिन का इंतजार था और सोने पे सुहागा तो ये है कि तू भी इंस्पेक्टर निकला। लो कर दी ना छोटी बात तूने। अरे तेरा प्रताप तो सीधा एएसपी बना है। हाँ? और ये इंस्पेक्टर तो उसके आगे बहुत छोटे होते हैं मौसी। अच्छा तो तू इंस्पेक्टर से भी बड़ा है। अरे वाह आज बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ माँ आज तो मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती। आज कुदरत के रंग देख के मैं दंग रह गई। धुंध की एक हल्की सी चादर फैली थी और उसके नीचे आसमान और जमीन का मिलन हो रहा था। आज पहली बार माँ मैंने सपनों का सतरंगी इंद्रधनुष देखा जो मेरी सासों को छू रहा था। कभी आ रहा था तो कभी जा रहा था। जा। माँ 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 खोल दो माँ। बड़े रहे अंदर। माँ मुझे क्यों बंद कर दिया माँ? आज से तेरी एक नहीं चलने वाली। आज से तेरी मनमानी बंद। उस जंगली से मिलना जुलना बंद। आज से जो मैं चाहूंगी वही होगा। पर माँ वो इंस्पेक्टर को पता चला ना कि तूने मुझे फिर से ताले में बंद करके रखा है तो तुझे हथकड़ी लगा के चक्की पिसवाएगा। अरे बहुत देखे तेरे उस दो कौड़े के इंस्पेक्टर जैसे। आज तुझे पता है कौन आया था? विजय प्रताप चौधरी मेरे गाँव का। अब वो पुलिस में बहुत बड़ा अफसर बन गया है। उसके नीचे ऐसे 36 इंस्पेक्टर सांस रोके खड़े रहते हैं। सुबह शाम उसे सलामी ठोकते हैं। अब तू देख आगे आगे होता है क्या। जलती सलाखों से इसकी आंखें फोड़ने की। अभी तो इन आंखों ने बहुत कुछ देखना है। ये रही इसकी जबान। इसकी छोटी बहन शहर छोड़ के भाग रही थी। कसम है दीवान को अपनी दीवानगी की। जिसने आज तक अपनी गद्दी नहीं छोड़ी तो इसे कैसे छोड़ देता। चल छोड़ दे मुझे भैया। अरे छोड़ देंगे छोड़ देंगे। इतनी जल्दी क्या भैया। देख देख मेरा। अब तू तो क्या तेरा बाप भी बताएगा। प्रिंस मेरी बहन को छोड़ दे। प्रिंस मेरी बहन को छोड़ दे। मेरे हाथ तो खोल। तेरे हाथ भी खोल दूंगा आज मेरा। लेकिन उससे पहले अपनी आंखें खोल के देख कि तेरी बहन की जवानी में कितना फर्क। मेरी बहन को छोड़ दे। कभी ना मेरी बहन को छोड़ दे। मैं कहता हूँ मेरी बहन को छोड़ दे। मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं। कहो। पर मेरी एक शर्त है। पहले मेरी बहन को किले के दरवाजे से सही सलामत बाहर जाने दिया जाए। गार्ड्स हम बोल रहे हैं एक लड़की किले से बाहर जाएगी उसे जाने दिया जाए।
उसे जाने दिया जाए। आओ जी आओ, प्रिंस ने तुम्हारे लिए फोन किया था। ठंडी हवा की तरह आई थी, गर्म हवा की तरह निकल जाओ। हमने वादा पूरा किया, अब कहो। मैं अपनी बहन की शादी एक रईस घराने में कराना चाहता था, उसके लिए मुझे 15 लाख रुपए चाहिए थे। कहानी नहीं, मजबूरी भी नहीं, सिर्फ इतना बताओ कि कोर्ट किसको भेजा? अलीबाग वाले जिमी को। अरे तू मेरी बात सुन, नखरे मत कर, सीधी होके चल चल चल। अपने भाई की दगाबाजी का इनाम लिए बिना जाना चाहती हो? लो जी, आपने कहा था इसे जाने दो, मैं इस जुम्बिश को फिर ले आया हूँ परमानेंट। दगाबाज, मुझे आजाद करके फिर पकड़वा लिया। तो आजाद कर देते हैं तुम्हें। ये चमक कैसी? ये तो बिजली चमक रही है प्रिंस। नहीं, कोई हम पर बिजली चमका रहा है। अपने दुश्मन की आहट को अच्छी तरह से पहचानते हैं हम। कोई दुश्मन किले में घुस आया है, ढूंढो उसे। कौन? कोई नहीं जी, शेर सिंह के होते हुए किले में कोई एंटर हो ही नहीं सकता परमानेंट। ये तो बिजली की चमक थी, प्रिंस को शायद वहम हो गया। आओ चलें। अगले ब्रिज तक देखते हैं शेर सिंह, चलो आगे। चलिए। देख रही हो माँ, ये तूफान, ये बिजली, धरती पर जब भी सच्चे प्यार को मिटाने की कोशिश की गई है, ऐसे ही तूफान और जलजले आए हैं। ये तूफान और ये जलजले सिर्फ एक रात के मेहमान होते हैं, रात भर चल लेने के बाद सुबह होते ही थक कर अपना दम तोड़ देते हैं। ये वो तूफान नहीं जो सुबह होने पर अपना दम तोड़ दे, सुबह होने पर ये तूफान और भी तेज हो जाएगा। माँ आने दे बाबूजी को, मैं ना ही सिर्फ उनसे ये ताला तोड़वाऊंगी पर कल के कल उन्हीं के आशीर्वाद से सूरज के साथ शादी भी रचाऊंगी। हेलो हेलो मौसी, मैं विजय बोल रहा हूँ। कौन बेटा? विजय प्रताप। हाँ मौसी। अरे तुम्हारा फोन क्या आया, मेरी तो जान में जान आ गई। कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटा, बस कुछ ऐसा ही समझ लो। अब सुनो, इससे पहले कि सर से पानी ऊंचा हो जाए, मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। पूजा को? हाँ पूजा बेटी को। तुम अभी के अभी यहाँ जाओ। हाँ हाँ इसी वक्त, हम आज ही रात पूजा को लेकर यहाँ से रवाना हो जाएंगे और शादी की सारी तैयारियां करके फिर पूजा के बापू को वही बुला लेंगे। हाँ जल्दी। नहीं माँ, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। तो इतनी कठोर कैसे हो सकती है माँ कि अपनी बेटी की मुस्कान नीलाम कर दे? अपनी बेटी की प्यार की अर्थी मत उठने दे, मत उठने दे माँ। जिसे तू अपना प्यार समझ रही है ना, वो तेरी बर्बादी है, और जिसे तू मेरी जिद समझ रही है वही तेरी भलाई है, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। जरा सोच के देख पूजा, कहाँ विजय प्रताप और कहाँ है तेरा ये सूरज? विजय अच्छे खानदान का है, उसके पास बड़ा घर है, जमीन जायदाद क्या नहीं है उसके पास, पुलिस में बड़ा अफसर है। विजय जैसा सुंदर, गुणी और नेक लड़का तुझे 10 जन्म में नहीं मिलने वाला। और पूजा तेरे विजय प्रताप की 100 जन्मों तक नहीं होने वाली। सूरज की अमानत हूँ और उसी के साथ पवित्र अग्नि के फेरे लेकर होंगी। तो फिर मेरी बात भी पत्थर की लकीर है, मेरे जीते जी उस बिमला के बेटे की बारात इस दरवाजे पर कभी नहीं आएगी। सूरज की बारात इस दरवाजे तक नहीं आ सकती, पर तेरी बेटी की डोली तो इस दरवाजे से जा सकती है ना। अब देख माँ मैं क्या करती हूँ, अब
अपने सूरज के नाम का सिंदूर अपने मांग में भरकर तेरे लिए पराई हो जाऊंगी। पूजा पूजा, ये क्या किया तूने? कुंवारी होकर अपनी मांग में सिंदूर डाला, हमारे खानदान की इज्जत पर। पूजा पूजा दरवाजा खोल, पूजा पूजा दरवाजा खोल, मैं कहती हूँ दरवाजा खोल। पूजा जी दरवाजा खोल कर, मैं अपनी किस्मत का दरवाजा नहीं बंद करना चाहती माँ, मैं संसार बसाने जा रही हूँ। हाँ ये अफसोस मुझे जरूर रहेगा कि इस घर के रस्मों का घूंघट ढाके बिना मैं यहाँ से विदाई ले रही हूँ। नहीं तेरे हाथों से शादी का जोड़ा पहना, नहीं शगुन के गीत गाए गए, नहीं तेरे गले से लगकर मैं जी भर के रो सकी, और ना ही सके सहेलिया मुझे डोली तक पहुंचाने आई। आज तो मैं खुद ही दुल्हन हूँ, खुद ही डोली हूँ, खुद ही शहनाई हूँ, और खुद ही अपनी विदाई ले रही हूँ। रुक जा पूजा, इस तरह घर छोड़ के मत जा। इस घर की चौखट तेरी लक्ष्मण रेखा है, इसे मत लांग बेटी। जिद की आग में अपने आप को मत छोक पूजा, वरना बर्बादियों के अंधेरों में खो जाएगी। ओफो, आज तो आसमान टूट के रहेगा, लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तू यहाँ और इस वक्त अपनी माँ से बगावत करके लोकलाज को तज के तुम्हारे बेटे के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरकर आज इस चौखट पे आई हूँ। अब इस चौखट को छोड़ के और कहाँ जाऊँ? कहीं भी जा, किसी रेल की पटरी पे जाके लेट जा, किसी कुएं की दीवार पे चढ़ जा, और अगर मरना नहीं चाहती तो जाके किसी और का दरवाजा खटखटा, यहाँ तुझे कोई नहीं रखने वाला। हाँ ये उसे कहने दे माँ, जो मेरे सिंदूर का स्वामी है, जो मेरे जीवन का विधाता है, मैं उसके मुँह से सुनना चाहती हूँ, उस सूरत से जिसने सपने में भी अपनी पूजा को अपने से अलग नहीं किया। मुझे उससे पूछना है कि उसका फैसला क्या है, क्या उसकी पूजा अपने आंचल में आंसुओं के अंगार लेके उसकी चौखट से लौट जाए, क्या अपने सूरज के नाम का सिंदूर उसके जीते जी अपनी मांग से मिटा डाले। तेरे सर पे शैतान सवार है, अपने आपे में नहीं है तू। अपने अरमानों की राख अपनी मांग में भरकर अगर तुझे सिंदूर का भरम हो रहा है ना, तो जाके धो डाल इसे किसी गंदे नाले में। लेकिन अगर इसके साथ मेरे बेटे का नाम जोड़ा है ना, तो मैं तेरा मुंह चिरस दूंगी कमीनी। माँ ये क्या कह रही हो, क्यों जलीकटी सुना रही हो पूजा को? पूजा तुम इस वक्त यहाँ? सूरज ये सिंदूर, तुम्हारी पूजा ने आज अपनी मांग का घर छोड़ दिया है, अपनी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर भरकर तुम्हारी दुल्हन खुद अपनी डोली उठाए आज तुम्हारे द्वार पे आ खड़ी है। मुझे अपने घर की चौखट लांगने का अधिकार दो सूरज। तुम्हें पूरा अधिकार है पूजा, आओ अंदर आओ। सूरज तेरी ये मजाक कि तू मेरे सामने उस कुलक्षणी को अंदर आने को कहे, ये इस घर में कभी नहीं आ सकती। ओ मेरे बेटे पे बहुत डोरे डाल चुकी, अब इस घर में डेरे डालने की कोई जरूरत नहीं, चल जाए यहाँ से। बस करो माँ, बहुत हो चुका, पूजा अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, उसका इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा, वो अब इसी घर में रहेगी। तो इसे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। सुना तूने, इस घर के अंदर आने के लिए तुझे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। ठीक है सूरज, ये बात है तो मैं चली जाती हूँ। हर सुहागन का नसीब गुलाल से नहीं लिखा जाता, मैं वो अभागन हूँ जिसकी घर की अपनी ही दहलीज उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। मुझे अपनी मांग में किसी का खून नहीं चाहिए, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए माँ। पूजा, पूजा। सूरज कहाँ जा रहा है तू? पूजा के पास, मैं उसे इस तरह जाते हुए नहीं देख सकता माँ, इस तूफान में मैं अपनी मोहब्बत को तिनके की तरह उड़ते हुए नहीं देख सकता। सूरज
पूजा, ये आधी रात को जंगल में कहाँ जा रही है? वहीं, जहाँ से कोई लौटता नहीं। पूजा, रुको पूजा, सुनो तो सही। ठहरो, ये क्या पागलों की तरह बात कर रही हो? आखिर हुआ क्या है? अपना घर छोड़ दिया है किसी के लिए और उसके घर के दरवाजे बंद हो गए मेरे लिए। अब बचा ही क्या है जिंदगी में? सब कुछ खत्म हो गया है। पूजा, ये क्या हो गया तुम्हें? बोलती क्यों नहीं? बोलो। मायके से बिना डोली, बिना शनाई की विदाई, ससुराल से ठुकराई हुई ये दुल्हन और कर भी क्या सकती है? मैं तो बस एक धूल भरी हवा का झोंका हूँ, जो एक वीराने से दूसरे वीराने में समा जाएगा। पूजा, पूजा, खुश में हो। अमर भैया, चलो ना मुझे। चलो मेरे साथ। तो बड़ा तेज निकला यार, बिजली और तूफान का सहारा लेकर किले की दीवार से निकल आया और तूने सोच लिया कि तुझे किसी ने देखा ही नहीं। बिजली भी हमारे किले पर जरा डर कर चमकती है, लगता है तेरे कैमरे की फ्लैश की चमक बिजली से कुछ ज्यादा है। ए, ला वो कैमरा और बैग हमारे वाले करते। आई चुप। इस कैमरे में तुम लोगों की काली करतूतें बंद है, जिसके जरिए मैं तुम सबको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा। वो तो बात की बात है, उससे पहले हम तुमसे तुम्हारा लाइफ छीन लेगा। तू अपनी लाइफ की फिक्र कर गोरे। तुम्हारा स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा इतिहासकार। तू किले में घुसना चाहता था पुस्तक लिखने के लिए और बाहर निकला है चोरों की तरह हमारे भेदले के परमानेंट। देख हमने तेरे लिए क्या बनाया वृत्त। अबे तू कौन है भेड़िए, जल्दी बता नहीं तो तेरा यही क्रियाक्रम कर देंगे, समझे? अरे क्रियाक्रम तो मैं तुम सबका कर दूंगा। जानना चाहता है मैं कौन हूँ? मैं एक CBI ऑफिसर हूँ। तुम सबकी भलाई इसी में है कि चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। पूजा, पूजा ये बैग लेकर पुलिस स्टेशन जाओ, जल्दी। चल पकड़ो उसे। Oh, my God.
खूबसूरत है इस कत्ल की चश्मदीद गवाह, ले चलो इसे और इसकी लाश को खाई में फेंक दो। कुछ गुंडे मेरी मंगेतर को उठाकर इस किले में ले आए हैं, बाहर निकालो उसे। लड़की, गुंडे इस किले में? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया दोस्त, तू गलत एड्रेस पे आ गया, चल यहाँ से परमानेंट। उसके लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। ओए, अंदर गुस्सा चला आ रहा है, चल हट। केर सिंह के होते हुए गुस्से का आ जाते हैं, लड़की ढूंढ रहे, चलो परमानेंट अंदर। लगता है लड़के ने कुछ देख लिया, इससे पहले के मामला बढ़े प्रिंस से पूछ लेना चाहिए कि लड़के का करना क्या है। वेलकम प्रिंस, वेलकम। उस इंस्पेक्टर के कत्ल की चश्मदीद का लड़की को मेरे सामने पेश करो। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये तो है बुलबुल। ओह बुलबुल, ये तो शराब में डुबोया हुआ सोना है, अगर ये सजाए तो पिछलियां गिर जाएंगी। प्रिंस ने खूबसूरती और सादगी का ऐसा जलवा पहली बार देखा है। वाह वाह, ऊपर वाले की जितनी तारीफ की जाए कम है, किसी किसी को इतना खूबसूरत बना देता है कि आंखें ही नहीं हटती। मुझे आग लग गई है बुलबुल, तुझे देखकर ही चलने लगा हूं, तुझे छू लूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन तेरा ये अनछुआ रूप मुझे मजबूर कर रहा है। अब बुलबुल मेरी बाहों में आ जा, आ जा। देख, मैं तुझे यहाँ की जिंदगी के नशे में डुबो दूंगा। अच्छा प्रिंस, राय साहब आ गए। राजा साहब, बिना इतला, बिना टेलीफोन। शेर सिंह का फोन था कि राजा साहब गेट पे पहुंच गए। पूरे किले का नक्शा बदल दो, बुलबुल को ले जाकर तहखाने में डाल दो, मैं उनके स्वागत के लिए जा रहा हूँ। मेरी पूजा कल रात से इस किले में कैद है, मैं रात भर इन पहरेदारों से, इन दीवारों से सर टकराता रहा, लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहा। आप यहाँ के राजा हैं, इंसाफ कीजिए। तुम अभी तक इधर ही है, हट यहाँ से परमानेंट। नहीं शेर सिंह, कहने दो उसे जो कहना चाहता है। कौन नौजवान, क्या कहना चाहते हैं? कुछ गुंडों ने मेरी मंगेतर को उठाकर इस किले में कैद कर लिया। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? क्या अंदाजा है तुम्हें कि हमारे इस किले की कितनी इज्जत की जाती है? लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। प्लीज मुझे एक बार अपनी पूजा को ढूंढने अंदर जाने दीजिए। सरकार, हमका तो ये बबुआ सचमुच बहुत दुखी लागत है, अब सच झूठ का फैसला तो अंदर चल के हुई। ठीक है, सुनो नौजवान, हम अंदर जाकर तहकीकात करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा यह दावा गलत निकला तो तुम्हें मुआफ नहीं किया जाएगा। शेर सिंह, अंदर आने दो इसे।
इन दीवारों को चीखना चिल्लाना सुनने की बहुत आदत है। चल। तुम्हारी तकदीर तुम्हें उस काल कोठरी में ले आई है बुलबुल, जहां की खामोशी बड़ों बड़ों का दम तोड़ देती है। ये वो जगह है जो बहुत जल्द तुम्हें हमारी मर्जी के आगे झुकना सिखा देगी। चलो। हेलो। प्रणाम डैड। माय डियर सन, माय प्रिंस। सो हैप्पी टू सी यू डैड। सो एम आई। नमस्कार प्रिंस बबुआ, नमस्कार। कैसे हो तांडव काका? बस आनंद ही आनंद है प्रिंस बबुआ। जब तीन पीढ़ी से राजा साहब की कृपा है तो चिंता काहे की। वेलकम वेलकम राजा साहब। नमस्कार राजा साहब। आखिर आपको हमारी याद आ ही गई। याद तो आती रहती है दीवान जी, लेकिन क्या करें, फुर्सत भी तो मिलनी चाहिए यहाँ आने की। आपकी बार तबीयत कुछ लग नहीं रही थी, इसलिए सोचा कि तुम लोगों के साथ कुछ दिन रह लेंगे और उसके बाद सिंगापुर चले जाएंगे। आइए राजा साहब। राजा साहब, आपने मेरी पूजा के बारे में पूछताछ की? हाँ प्रिंस, ये नौजवान मेन गेट पर बड़ा परेशान था। इसका कहना है कि एक लड़की को उठाकर इस किले में लाया गया है। लड़की? हाँ? और इस किले में? Yes. What nonsense? झूठ बोल रहा है ये। झूठ ये लोग बोल रहे हैं राजा साहब। मेरी पूजा इसी किले में है, उसे यहाँ लाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको क्या लगता है राजा साहब, जिस किले को लोग मंदिर की तरह मानते हैं उस किले में ऐसी कमीनी हरकत की जा सकती है? आप लोग चलिए, मैं अभी इसकी गलतफहमी दूर करके आता हूँ। आइए डैड। आइए राजा साहब। हाँ भाई, क्या हंगामा? कौन सी लड़की, कौन लाया इधर? चलो बाहर निकलो इसे। हटो, जाने दो मुझे। राजा साहब, राजा साहब, ये लोग मुझे यहाँ से भगा देना चाहते हैं। ये लोग सच्चाई पर पर्दा डालना चाहते हैं। मैं अपनी पूजा को लिए बिना नहीं जाऊंगा। प्लीज राजा साहब, मुझे एक मौका दीजिए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अरे जो है ही नहीं, उसे ढूंढ कहां से लेगा तू? ये हमारे किसी दुश्मन का एजेंट भी तो हो सकता है। ओ का फिकर मत करो प्रिंस बबुआ, एजेंट हो एजेंट हुई तो हमसे बच के कहां जाई? और फिर राजा साहब को अपना खानदानी दस्तूर भी तो निभाना है। ई दरवाजे से कौन फरियादी कभाव खाली हाथ नहीं लौटा। तांडव ठीक ही कहता है प्रिंस, हमें इसे एक मौका देना चाहिए। जाओ नौजवान, जाओ, सारा किला तुम्हारे सामने पड़ा है, जाओ ढूंढ लो उसे। थैंक यू सर। पूजा, पूजा, सत्यानाश हो बिमला, तेरा बेटा मेरे यहाँ डाका डालने आया, इसीलिए मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई। तेरी शनि को तो राहू केतु खा जाए। अरे जादूगरनी तो तेरी बेटी निकली, जो मेरे शेर जैसे बेटे को खरगोश बना के उठा। बिमला तू चुप है, बहुत गड़बड़ कर रही तू। चौधरी बहुत सुन चुका इनकी। और नहीं तो क्या, चार दिनों के लिए हम बाहर क्या गए कि इन लोगों ने यहाँ तूफान खड़ा कर दिया कि बच्चों को घर छोड़ के जाना पड़ा। अरे ये सब किया कराया तुम्हारी बेटी का है, न वो हमारे घर आती न उसके पीछे पीछे हमारा बेटा जाता। तू उसे घर में नहीं रह सकती थी, उसी रात खड़े खड़े फैसला सुना देना जरूरी था। चार दिनों के लिए हमारा इंतजार नहीं कर सकती थी? अरे वो सूरज के बिना नहीं रह सकती, तो क्या सूरज उसे तूफान में भटकने के लिए छोड़ देता? और ये सब तुम लोगों के कारण हुआ, तुम लोगों ने उन दोनों की जिंदगी में आग लगाई। बताओ अब कहां ढूंढूं मैं अपनी बेटी को, और ये केदार कहां ढूंढेगा अपने सूरज को? राजा साहब ने भी इस किले के शतरंज पर एक ऐसा मोहरा छोड़ दिया है जो कभी भी हमें शय या मात दे सकता है। दिन रात आंधी की तरह मंडराता रहता है इस किले के अंदर। बस इतनी सी बात से घबरा गए प्रिंस? कसम है दीवान को अपनी दीवानगी की, या तो ये आंधी राजा साहब के रहते ही तिनके की तरह उड़ा दी जाएगी, या फिर इसी आंधी की भी राजा साहब के जाते इसी किले में समाधि बना दी जाएगी। और अगर उसकी समाधि बनने से पहले उसे उसकी पूजा का सुराग मिल गया तो उसके पहले उस बुलबुल के पर काट के उसके टुकड़े टुकड़े करके उसी तहखाने में दफन कर देंगे। खत्म।
खत्म कर देंगे उसे। नहीं जूली, उसे खत्म नहीं किया जाएगा, उसे तो जिंदा रखना है। वो बुलबुल अब मेरे कलेजे में उतर गई है, बस अब तो उसे गले से नीचे उतारना है, पी जाना है उसे। जहर का घूंट हो सकती है वो? नहीं, शहद ही शहद है वो। ओह, चुली से भी ज्यादा? ये तो तू मुझे खुद ही बताएगी उससे मिलने के बाद। देख जूली, तू एक काम कर, जब तक राजा साहब यहां है तो उससे मिलती रहना, उसके दिलो दिमाग में मेरे लिए नशा भर दे, एक और जूली बना दे उसे मेरे लिए। इस जूली के होते हुए दूसरी जूली की जरूरत क्यों प्रिंस? तू बहुत थक गई है जूली, मैं तुझे इस थकान से इस किले से आजाद कर दूंगा। सच? तुम्हारे साथ तुम्हारे लोगों को भी जो मेरी कैद में है। मैं जानती थी इन सयादों की बस्ती में कोई ना कोई मेरी फरियाद सुनने वाला जरूर होगा। मजबूर, बेबस और बेकसूर औरत के दिल का दर्द तो सिर्फ एक औरत समझ सकती है ना। Nonsense. तुम मेरे लिए आजादी की रोशनी बनकर आई हो। अच्छा, इस कैद में मेरा दम घुट रहा है, मुझे इस कैद से, इन सलाखों के घेरे से बाहर निकाल दो। जब कोई बुलबुल कैद हो जाती है तो उसकी तड़प उसे और भी खूबसूरत बना देती है। जैसा सुना था उसे ज्यादा खूबसूरत पाया है तुझे। ब्यूटीफुल। कौन हो तुम? मुझे गौर से देख बुलबुल, मैं तेरे आने वाली कल की तस्वीर हूं। जैसे एक दिन इस कैद के सामने मैंने अपने घुटने टेक दिए थे, वैसा ही आज तू भी कर ले। इन अंधेरों को उजाला, इन पत्थरों को भूल और इस पिंजरे को अपनी तकदीर समझ ले। अपनी मर्जी से हमारे सांझे में ढल जा, वरना। छू मत मुझे, हाथ मत लगा, तुम सबके हाथ खून से रंगे हुए हैं। यहाँ हाथों को रंगने के लिए मेहंदी नहीं मिलती बुलबुल, यहाँ तो हाथ खून से ही रंगे जाते हैं। खून और कत्ल यहां इस तरह से होते हैं जिस तरह ताश के पत्ते फेंके और उठाए जाते हैं। समझ गई मैं, तू भी इन पत्थरों की परछाई है। लेकिन सुन ले तू, मुझे नहीं बनना तेरे जैसी तस्वीर और ना ही चाहिए तेरे जैसी तकदीर। मुझे इस कैद से छूटते हुए देखेगी तू। उड़ना चाहती है तू? नहीं उड़ पाएगी। तू अपने पर कितने भी फड़फड़ा ले, इस पिंजरे से तू कभी नहीं निकल सकती। समझौता कर ले यहां के इन अंधेरों से और फिर देख, यहां का स्वर्ग तेरे कदमों में होगा। अपने हुस्न और जवानी के अशरफिया लुटाकर अपनी जिंदगी खरीद ले, वरना भूखों की इस बाजार में तेरी ये दौलत लुट जाएगी और जिंदगी तेरे हाथ नहीं आएगी। कहो बबुआ, कुछ खाया पिया कि नहीं? कैसा खाना कैसा पीना, अपनी पूजा की तलाश में मैं सब कुछ भूल गया हूं तांडव। ची 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 ची, ऐसा जवान जहान जिस्म और इतनी छोटी सी बुद्धि। अरे बबुआ, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन का हारे ना दियो और फिर ही रोटी से बैर कैसा। बबुआ, रोटी से ही तो ये माटी चलत फिरत बोलत चालत है। चलो अब रोटी खाई लो। जब तक पूजा नहीं मिल जाती, गले से अन्न का एक निवाला नहीं उतरेगा। Ha ha ha.
बुलबुल 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 शीशे में शीशा उतर गया, तेरा हुस्न देख के ये प्रिंस मर गया। प्रिंस 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 बुलबुल मैं आ रहा हूं बुलबुल। हमने सोचा था कि राजा साहब के वापस चले जाने तक अपने आप पर काबू रखेंगे, लेकिन तुम्हारा ये रूप, ये हुस्न, इसने हमें बेकाबू कर दिया और हमारी बेताबी हमें यहाँ खींच के ले आई। हमारे सब्र का बांध टूट चुका है बुलबुल। तुम्हारे 4.5 फुट के बदन में 450 टन अफीम चरस का जो नशा भरा है ना, ये नशा किए बगैर हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हमारी बाहों में आ जाओ बुलबुल। खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। देखती नहीं यहाँ कितनी चुप्पी, कितनी खामोशी है, और इस खामोशी को तोड़ने की इजाजत सिर्फ हमारे दिल को है। और हमारे दिल की धड़कन बार बार ये कह रही है बुलबुल, अब और मत तड़पाओ, हमारी बाहों में आ जाओ। रुक जाओ, वरना मैं तेरा मुंह झुलस दूंगी। रैले झुलस दो, कम ऑन, आगे मत बढ़ना, वरना मैं अपने आप को जला दूंगी। रुक जाओ प्रिंस, ये क्या कर रहे हो तुम? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ दीवान, आज की रात भी खाली बोतल की तरह लुढ़कती जा रही है। और ये बुलबुल हमारी आग से नहीं, खुद अपनी आग से जलना चाहती है। तुम जाओ दीवान, हम इसकी आग से अपनी आग बुझा कर आएंगे। पागल मत बनो प्रिंस, इस आग में खेलने कूदने का वक्त अभी नहीं आया, इसे धीमी पड़ने दो, और इसे धीमी करने का काम तुम चूली को सौंप चुके हो। आउट, आउट। अब चलो यहां से, मैं कहता हूं चलो, तुम्हें राजा साहब ढूंढ रहे हैं, चलो। राजा साहब? हाँ। हम तुम्हारे राजा साहब, इन राजा साहब के किराए ने तो कहर लगा दिया है हम पे। पहली बार जब हमने तुमसे प्यार करना चाहा, तो अचानक शनि बन के किले में घुस पड़े। हमने सब्र किया, और आज जब हमने अपने आप को तुम्हारे नशे में डुबो देना चाहा, तो फिर राजा साहब। लेकिन कब तक बेबी, कब तक? पूजा को कहाँ छुपा रखा है? मुझे नहीं मालूम। तुझे सब मालूम है चूली, पूजा को कहाँ छुपा रखा है? मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम, छोड़ मेरा रास्ता। आज नहीं छोड़ूंगा, तुझे सब मालूम है चूली। इतने दिनों से देख रहा हूँ कि तू चलते चलते इन्हीं दीवारों में गायब हो जाती है। तू जरूर पूजा से मिलती होगी, उसका पता बता दे। मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे, मुझे बचाओ। आज तुझे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, बता पूजा कहाँ है? मैं कहती मुझे कुछ नहीं मालूम। बोल पूजा कहाँ है? मैं कहती मुझे कुछ नहीं मालूम। सब मालूम है पूजा कहाँ है, तुझे बताना पड़ेगा। राजा साहब, प्रिंस, देखिए ये सुराज पागल हो गया, जूली की जान लेना चाहता है, जल्दी आइए। मैं कहती छोड़ दो मुझे। ये देखिए, कहाँ जुलूम कर रहे हो बाबू? ये देखिए राजा साहब, ये देखिए ये क्या हो रहा है। सूरज मेरी जान लेना चाहता था, न जाने किसी पूजा का पता मांग रहा था,
और उसके लिए पागल हो रहा था। और उस पागलपन में वो किसी पर भी वार कर सकता है, किसी की भी जान ले सकता है। ये तो कुछ नहीं है राजा साहब, अगर आप इस पर और मेहरबान रहे तो एक दिन इसकी तलवार हम लोगों की गर्दन तक भी पहुंच सकती है। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया राजा साहब, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं कि सूरज पागल हो गया। हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। अपनी पूजा की तलाश में मैं पागल हो गया, किससे पूछूं मैं अपनी पूजा का पता, इन खामोश पत्थरों से, इन सुनसान दीवारों से। मैं क्या करूं राजा साहब, क्या करूं? और ये लोग सब कुछ जान कर भी अनजान बनते हैं, इसीलिए जबरदस्ती मैंने अपनी पूजा का पता जानना चाहा। आज अगर पूजा की तलाश तुम्हें तलवार उठाने पर मजबूर कर सकती है तो कल वो किसी की गर्दन काटने के लिए भी तैयार हो सकती है। हमारे ख्याल से हमने तुम पर जो मेहरबानी की है वो बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल है। नहीं नहीं राजा साहब, ऐसा जुल्म मत कीजिए, एक आप ही तो हैं जो मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। मुझे इस कले से मत निकाली, वरना कहाँ ढूंढूंगा मैं अपनी पूजा को, न जाने किस हाल में होगी वो, कहाँ कैद होगी, कितनी रोई होगी, कितनी चीखी होगी, उसकी हर सिस की सुनाई देती है मुझे, हर चीख गूंजती है मेरे कानों में, हर आंसू पुकार रहा है कि सूरज मुझे बचा लो सूरज, और मैं नाकाम रहा हूं अब तक, क्या करूं, कहां ढूंढूं मैं अपनी पूजा को, कहां हो तुम सूरज, मेरी जिंदगी, मेरी आबरू, चंद दिनों की मेहमान है, मौत का जाल मुझे जकड़ता जा रहा है, ये चंद दिन मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं। तुम कहाँ हो सूरज, मेरी पुकार का जवाब दो, मुझे आवाज दो सूरज, अपनी पूजा को बचा लो, वरना समय का ये चक्र तुम्हारी पूजा को रौंदते हुए चला जाएगा। इस तहखाने की खामोशी में मुझे उन 40 आदमखोर भेड़ियों की कदमों की आहट सुनाई देती है, इन अंधेरे कोनों से परछाइयां निकल निकल कर मुझसे लिपटने लगी है, सन्नाटे को चीरती हुई कोई भयानक हंसी मुझे झंझोर देती है, ये सलाखें, ये दीवारें, ये जंजीरें मुझे नोचने लगी, टसने लगी, मुझे बचा लो सूरज, मुझे बचा लो। इस बंद कोठरी में
तुझको ढूंढता हूँ गलियों में चौबारों में, चेहरा तेरा देखता हूँ अश्कों की कतारों में। मैं तुझको ढूंढता हूँ गलियों में तेरा देखता हूँ अश्कों की कतारों में। दिल मेरा कहता है दुनिया को जला दूँ, होके जुदा हम राही अपनी हस्ती मिटा दूँ। मुझे पास बुलाती है याद सताती है, मुझे पास बुलाती है तेरी याद सताती है, दिन रात रुलाती है। है बुल
बच्चों को घर छोड़े 10 दिन हो गए, न कुछ खबर, न चिट्ठी, न अता पता। आसपास की सारी बस्तियां और शहर छान मारे मैंने, पुलिस को भी इत्तला की, मगर मैं तो कहती हूँ अखबारों में उनकी तस्वीर छापो, इश्तेहार दो कि वो जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाए अपने घर। हाँ, और ये भी लिख दो कि हम उनके प्यार के बीच रुकावट नहीं बनेंगे, हमें उनका रिश्ता मंजूर है, आते ही उनकी शादी कर देंगे। हाँ। हे भगवान, हमारे बच्चों को तकलीफ न होने पाए, वो जहाँ भी उनकी मदद करना बस। है वो जो पूजा को किले में उठाकर ले आया था, बता मेरी पूजा कहाँ है, वरना आज तेरी खाल की चाबुक बनाऊंगा। अपना हाथ रोक लड़के, मेरा गुस्सा मत भड़का वरना बहुत भारी पड़ेगा। अब जो भी हो जाए तुझे नहीं छोड़ूंगा, बता पूजा कहाँ है वरना तू आज जिंदा नहीं बचेगा। तुझे पूजा चाहिए, पूजा का पता चाहिए, ये ले, ये ले। मेरी खाल की चाबुक बनाएगा साले। वो रामपुर वाली जमीन के पट्टे का रिन्यूअल तो नहीं करा है? नहीं डैड, वो जमीन मैंने गरीबों को बस्ती बसाने के लिए दे दी। बहुत अच्छा किया। हैंड मी द नेक्स्ट फाइल। यस सर। राजा साहब, मुझे वो आदमी मिल गया है जो मेरी पूजा को उठाकर इस किले में ले आया था। कहाँ कहा था सूरज बबुआ, सच वो आदमी मिल गया? कहाँ मिला हूँ? तो अस्तबल में, वहां पर वो घोड़ों की देखभाल कर रहा था, मैंने वहीं उसे एक कमरे में बंद कर दिया है। ओफो, अब ये क्या तुम्हारा नया नाटक है? डैड, ये क्या मुसीबत आपने यहाँ रखती, रोज नया नाटक लेकर आ जाता है। ये नाटक नहीं, सच है। आप खुद चलकर देख लीजिए राजा साहब, आपको देखकर वो मेरी पूजा का पता जरूर बता देगा। ठीक है सूरज, हम चलते हैं तुम्हारे साथ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आइए राजा साहब, आइए। मैंने उसे इसी कमरे में बंद कर रखा है। क्या हुआ बबुआ, ये वो आदमी है का? दुआई है राजा साहब, दुआई है। ये लड़के ने मेरा क्या हाल कर दिया है, मुझसे ये लड़का उस लड़की के बारे में पूछ रहा था, मैं कुछ नहीं जानता, इसे मेरा कौन है तू? अंदर कैसे आया? मुझे वापस मार रहा है। वो आदमी कहाँ गया जिसे मैंने इस कमरे में बंद किया था? बोल, जवाब दे। बोलो सूरज, यही वो आदमी है? नहीं राजा साहब, ये वो आदमी नहीं है, मारना तो दूर, मैंने इसे कभी देखा भी नहीं। क्या? वो आदमी कोई और था जिसे गायब कर दिया गया है। Shut up, you liar! तेरी इतनी हिम्मत के तू हम पर छींटा कसे? कल तुमने जूली की गर्दन पर तलवार रखी, आज इस बेचारे बेकसूर को मार दिया, डर अभी बहुत हो गया। आप प्लीज इसे यहाँ से आउट कीजिए। You are right, Prince. You are right. ये लड़का हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, ये उसे ढूंढ रहा है जो यहाँ है ही नहीं। इतने दिनों में तो किसी कोने में गिरी हुई सुई भी ढूंढी जा सकती थी। सूरज, अब बहुत हो चुका, तुम यहां से चलते बनो। वैसे भी हम यहां से जा रहे हैं, और हमारे यहां से जाने के बाद तुम्हारा यह पागलपन बर्दाश्त करने वाला यहां कोई नहीं होगा। सो बेटर गेट आउट। राजा साहब, तो से हमका ऐसी उम्मीद नहीं थी बबुआ, तोरे झूठ से हम बहुत शर्मिंदा हुए। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते तांडव? अगर मैं झूठा होता तो ये नहीं कह देता ये वही आदमी है,
अगर मैं झूठा होता तो यह किसी और को भी कसूरवार ठहरा सकता था। वो एक ही चेहरा है, एक ही आदमी, एक ही सबूत जो मेरी पूजा तक पहुंचने का रास्ता है। मगर यहां साजिशों का जाल बिछा हुआ है तांडव। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, राजा साहब को भी धोखा दे रहे हैं। झूठा मैं नहीं, झूठे ये लोग हैं तांडव। देख बबुआ, सच का है और झूठ का है ये हम का ना ही मालूम, मगर एक बात अटल है, अगर तू झूठ बोलत है तो जिंदगी भर तू सर पटकता रह जाइयो, वो लड़की ना ही मिली। और अगर तू सच बोलत है तो जय बजरंग बली की, वो लड़की तोहे आज ही मिलके रही। आज रात तू ही किला का कोना कोना छान मार, हम राजा साहब को संभाल लेंगे। Cheers. Cheers to your health, Dad. Thank you. आपके बार कम दिन तो जरूर रहे लेकिन बहुत अच्छा लगा। प्रिंस, हम तो तुम्हें हमारे साथ ले जाना चाहते थे लेकिन तुम तो अपने पुरखों के इस धरोहर को छोड़कर जाना नहीं चाहते। ठीक है, तुम यहीं पर रहो, सेटल हो जाओ, शादी करो। हाँ सरकार, उस जमनापुर के राजा साहब की सुशील कन्या कौशल्या कुमारी अपने प्रिंस बबुआ के लिए एकदम फिट रहेगी। आगे डीपी साहब परमानेंट। हेलो मिस्टर डीपी, ये मुसीबत कहाँ से हमारा, संभालो इसे। हेलो डीपी, स्वागतम स्वागतम। हाँ भाई, यू दीवान उल्मैन, देखो तुम्हारा मैसेज लेट मिला मुझे, लेकिन अगर पहले मिल गया होता तो मैं अपना हांगकांग और होनालुलु का ट्रिप कैंसिल करके यहाँ पर आ गया होता। हाय प्रिंस, आई एम सॉरी आई एम लेट प्रिंस। नो माइंड, यू आर स्टिल अर्ली। क्या तुमने कुछ कहा प्रिंस? नहीं, जॉन अस। आप है इसके लिए के राजा साहब, प्रिंस के पिता। प्रिंस के पिता? और आप है मिस्टर डीपी, जिनका लंदन, हांगकांग, टोक्यो में हीरो का अपना बिजनेस है। ओह ऐसे ही, ऐसे ही। बड़ी खुशी हुई है जानकर कि आप हमारे मेहमान हैं। हेलो। टेक माय वे। नाइस मीटिंग यू सर। एंजॉय योरसेल्फ। श्योर। आइए डीपी साहब, आपको ड्रिंक पिलाएंगे। चिन चिन। चिन चिन। ओह यस, लेट्स सेलिब्रेट। थैंक यू सर। चिन चिन बॉय। चिन चिन। और सुनाइए आपका सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया दीवान साहब, मजा आ गया। अरे जूली माय डियर, हाय। तुमको देखा जूली, हम कोई गड़बड़ होने से पहले इसे मेरे चैम्बर में ले आओ, मैं इसे संभालता हूँ, तुम राजा साहब को एंटरटेन करना। यू एफिशिएंट लिटिल जूली, व्हाई डोंट यू जॉइन मी? लेकिन सर, बी साहब, प्रिंस आपको अपने चैम्बर में याद कर रहे हैं। स्पॉइल स्पोर्ट। चलिए चलिए राजा साहब, एक मिनट, हम राजा साहब से मिलकर आते हैं। ओल्ड मैन, हाय राजा साहब, चिन चिन। आइए आइए डीपी साहब, आइए। हम फिर हाजिर हो गए योर हाइनेस। यू नो समथिंग राजा साहब, जब से हम आपको मिले हैं पार्टी में और किसी के साथ बात करने को दिल ही नहीं करता। ओह रियली? रियली, यू आर अ वंडरफुल पर्सन इंडीड। सो इज योर्स? नो 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 राजा साहब, नो, जो आपके पास है वो हमारे पास कहां, आपके पास प्रिंस जैसा बेटा है, आपके पास विजयगढ़ जैसा फोर्ट है, ग्रेट फोर्ट। मैं तो ये कहता हूँ कि आप हमेशा इंग्लैंड और अमेरिका में रहते हैं, तो प्रिंस को क्यों नहीं साथ में रख लेते, और रही इस फोर्ट की बात, इसे हम खरीद लेते हैं। ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? ना, मैं बिजनेस में मजाक नहीं करता राजा साहब, मैं वाकई ये किला खरीदना चाहता हूँ। आप दाम बोलिए साहब, मैं इसकी कोई भी कीमत दे सकता हूँ, किसी भी करेंसी में, डॉलर्स, पाउंड्स, गोल्ड। ये किला हमारे लिए मंदिर है और हमारे यहाँ मंदिर बेचे नहीं जाते, और ये किला ऐसी जगह है जहाँ इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। नहीं बेचेंगे, गलत यूज हो सकता है। जैसे कि गलत यूज होता ही नहीं। क्या कहा आपने? रिलैक्स एंड हैंड्स ऑफ। हमारे मंदिर जैसे किले के बारे में क्या कहा आपने? आई सेड रिलैक्स एंड हैंड्स ऑफ, जो तुमने सुना वही मैंने कहा राजा राय बहादुर। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि इस किले का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तुम्हारी ये मजाल कि तुम हमारे इस पुरखों के निशाने के बारे में उल्टी सीधी बात करो, इस मंदिर को गालियां दो, हम तुम्हारी जबान खींच लेंगे, जान से मार डालेंगे हम। अरे तुम क्या जान से मारोगे, सच्चाई सुन सकोगे? यही तुम्हारा किला कोई मंदिर वंदिर नहीं है, ये पाप का अड्डा है, पाप का अड्डा। यू सो कॉल्ड हाइलैंड्स, इसकी नींव, इसकी फाउंडेशन किसी चंदन तिलक पर नहीं रखी गई, बल्कि ड्रग्स, नार्कोटिक्स और खून के डब्बों पर रखी गई है। इस राजा के बच्चे को मैं सबक सिखाऊंगा। होश में आइए सर। होश में तो तुम हो जुले, क्या हुआ तुम्हारा? इतने साल से अपनी आजादी के सपने देखते देखते तुम खुद एक जिंदा लाश बन गई हो। नथिंग बट अ डेड बॉडी।
जूली अब तो तुम होश में आओ। अरे जिन घर वालों के लिए तुम ये कर रही हो उन्हें कब का कत्ल करके इसी किले के नीचे दफना दिया गया, समझी? जूली ये जो दिख आइए देवी साहब, प्लीज प्लीज आइए बात चलिए। ये सब झूठ है राजा साहब, झूठ बोल रहा है आदमी। झूठ क्या है और सच क्या है इसकी खबर तो हमें हो ही जाएगी, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर है, वरना वो डीपी हीरो का व्यापारी तुम्हारा दोस्त इतना कुछ कहकर नहीं जाता। अब लगता है सूरज सच ही बोल रहा था, वो लड़की यहीं कहीं कैद है। हम तुम सब लोगों को 24 घंटों की मोहलत देते हैं, इन 24 घंटों में हमारे सामने सच पेश किया जाए, वरना हम इस जमीन की छाती पर बुलडोजर चलवा देंगे, इस किले के पत्थर को डायनामाइट से उड़ा देंगे हम, और सारे सबूत के साथ तुम लोगों को कानून के हवाले कर देंगे। पूजा, पूजा, सूरज तुम अपनी पूजा को गलत जगह ढूंढ रहे हो। जूली? वो नीचे अंधेरे तहखाने में कैद है, और उस तहखाने तक पहुंचने का रास्ता ये नहीं वो है। पूजा, पूजा, सूरज, 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 पूजा, सूरज, पूजा, मुझे मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। सूरज, सूरज कहाँ हो तुम? पूजा, 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 राजा साहब ने हम सब पर मौत का कफन फेंक दिया है, और कल तक हम उस कफन के नीचे मुर्दों की तरह लेटे होंगे। कसम है दीवान को अपनी दीवानगी की, इससे पहले वो कफन रातों रात हम उस राजा पर डाल देंगे। बेटे के सामने बाप के कत्ल की बात करते हो, इससे पहले कि तुम्हारे नापाक इरादे मेरे डैडी की मौत बनकर इस किले में मंडराएं। अलकिले बास्टर्ड, कौन कहता है कि तुम उस निर्वंशी राजा के असली बेटे हो? न जाने क्यों तुम्हारा खून उबाल खा गया, ये मत भूलो कि तुम उसके गोद लिए हुए बेटे हो, और तुम्हें मौत की गोद में सुलाने के लिए वो कभी भी तुम्हारा खून बहा सकता है। बस प्रिंस, अब तो एक ही रास्ता बचा है कि अपना खून बचाने के लिए राजा राय बहादुर का खून बहा दो। इसके सिवा कोई चारा नहीं प्रिंस। Do it. चारों तरफ खतरा है। चलो राजा साहब के पास चलते हैं, तुम्हें देखकर उन्हें यकीन हो जाएगा और वो हमें किले से बाहर निकाल देंगे। Oh!
राजा को तो ठिकाने लगा दिए, अब तांडव को भी ठिकाने लगा दो। आज पेड़ और पेड़ की जड़ दोनों को काट फेंकना है। ये क्या हुआ? हमारे राजा साहब को मार डाला? राजा साहब, राजा साहब, ये क्या हो गया? भगवान, ये क्या हो गया? हमरे हमरे राजा साहब को मार डाला, राजा साहब को मार डाला, अनर्थ हो गया, अंधेर हो गया, ये भगवान, ये क्या हो गया? पापियों ने आज तो है मारकर ऐसा घोर पाप किया है कि उनका माफ नहीं किया जा सकता, उनका माफ नहीं किया जा सकता। आज कयामत की रात है, कसम मैं दीवान को अपनी दीवानगी की, आज ना वो तांडव बचेगा और ना वो दोनों प्रेमी। वो दोनों हमारी कैद से ही नहीं भागे, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों से राजा का खून होते हुए भी देखा है। किले का चप्पा चप्पा छान मारो, वो दोनों यही कहीं छुपे होंगे। जाओ जाके ढूंढो रे, जाओ। आज वो दीवान की दीवानगी की इंतहा देखेंगे। उधर चलो। यही कहीं होंगे, तुम लोग ढूंढो उनको, मैं यही बैठकर पहरा देता हूँ। किले के इस हिस्से को चारों तरफ से घेर लो, चप्पा चप्पा छान मारो। बच्चे जाएंगे कहाँ? हमरे राजा राम को मार डाला तुम चंडालों ने, हमरे तीरथ समान राजा साहब को खत्म कर डाला तुम हथियारों ने। वो महान आत्मा तोहे धिक्कारत है दानव दीवान, और हम का पुकारत है कि हम उनके खून के बूंद बूंद का हिसाब बराबर कर दे। हम तोहे नर्क की आग में झोंक देंगे, हम तोहरे बदबूदार जिंदगी से तोहे मुक्ति देत है। जय बजरंग बली। दीवान की मौत, मेरे बुलबुल का कैद खाने से फरार हो जाना, इस सब का मतलब जानते हो तुम लोग? तुम सब की मौत मेरे हाथों। जरूर कहीं इस किले के अंधेरों में छुपे होंगे। जला दो इन अंधेरों को, काट डालो इन अंधेरों को। क्या तो चारों तरफ खतरा है सूरज, और के मुंह से कैसे निकलेंगे? उन्होंने तो राजा साहब को मार डाला, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। घबरा मत पूजा, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। ऊपर वाले ने जब तुम्हें सलाखों से निकालकर यहाँ तक पहुँचाया है,
वो हमें यहां से बाहर भी निकालेगा। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो सूरज, अब तुम साथ तो हो उन सलाखों की घुटन में। तुमसे मिले बगैर मैं मर जाती तो मेरी आत्मा तुम्हारी तलाश में भटकती रहती। अब कुछ भी हो जाए, मौत भी आ जाए, तो तुम्हारी बाहों में तो मर सकूंगी। पूजा ऐसी बातें मत करो, हिम्मत रखो, ये अंधेरा टूटेगा और हम अपनी जिंदगी में वापस लौट जाएंगे। काश तुम्हारी बात सच हो सूरज, पर पता नहीं यहाँ कब क्या हो जाए, जी पाएंगे या? मुझे अपनी बाहों में ले लो सूरज, जिंदगी के जो पल बचे हैं मैं जी भर के तुम्हारे बाहों में जीना चाहती हूँ। कुछ पल के लिए मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, ये अंधेरे, ये कैद, ये मौत। मैं उस जिंदगी में वापस जाना चाहती हूँ जिसके अपने रंग थे, अपनी खुशियाँ थी, खुला आसमान था जहाँ पंछी उड़ते थे, जहाँ मैं और तुम। देख
ने जिया कैसे सुना आंखों से अब दूर ना जा आ मेरी बाहों में आ जा चलो हम मिलके बसाएं कोई बसेरा नया से अब दूर ना जा सुरंग से इस किले से बाहर निकलने का ये खुफिया रास्ता है आ,
भाई गए हम, अब है कौन अब माई के लाल में दम, तो कुंडी खोल के दिखावा। आओ आगे बढ़ो। बजरंग बली चलो जल्दी चलो। शेम, तुम्हारी गोलियां उन्हें ढूंढ नहीं पाई, तुम्हारे बूट उन्हें रौंद नहीं पाए, यहां की जमीन उन्हें चकर नहीं पाई। बड़े शर्म की बात है, उस खुफिया कुएं और तहखाने से निकलने में 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटों में 4 बार पकड़ा जा सकता है उन्हें। हाँ प्रिंस, मैं घोड़ों की टापों के नीचे रौंद डालूंगा खेत खलियान जंगल बस्ती, लेकिन उन दोनों को सरहद पार करने से पहले पकड़कर आपके सामने डाल दूंगा। जिंदा? तू उन्हें जिंदा पकड़ के हाजिर करेगा मेरे सामने, ताकि मैं उस मजनू के छोटे छोटे टुकड़े करके तहकते हुए कोयलों में डाल दूं। जाओ! Thank you.
हिम्मत रख पूजा, वो देख दूर बस्ती दिखाई दे रही है। मुझसे और नहीं चला जाता सूरज। अच्छा थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं, अब तो वैसे भी खतरे से बाहर है। मेरे 40 कमांडोस को मार के सोच रहे थे कि तुमने मौत के हाथ काट दिए, आजाद हो गए तुम। इससे मैं हजार तरह से हजार बार हजार मौत मारूंगा। ऐसी बेरहमी से मारूंगा मैं कि इस किले में आने वाली 3 पीढ़ियों तक इसकी आवाजें सुनाई देंगी। मेरे सूरज को छोड़ दो, चाहे तुम मेरी जान ले लो पर मेरे सूरज को छोड़ दो। मुझे तेरी जान नहीं बुलबुल, तू चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। लेकिन उससे पहले अपने 40 कमांडोज की मौत का बदला तेरे साशिक से लूंगा। इसकी मौत तेरे हाथों से होगी बुलबुल, तेरे हाथों से। अब देखना शुरू होता है इसकी मौत का तमाशा। पहली बार होगा एक आशिक की मौत उसकी महबूब के हाथों होगी। तेरे यार की जिंदगी की डोर तेरे हाथों में है बुलबुल, इधर तेरे हाथ थके और उधर वो मौत के अंगारों में गया। तुम अपनी ताकत से कितना भी ऊपर खींचने की कोशिश करो बुलबुल, ये कौवा नीचे गिरेगा ही गिरेगा। ऊपर वाले ने तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत नहीं दी है कि तुम इसे मौत के मुंह में जाने से रोक सको। ये अंगारों में गिरेगा और झुलसेगा। Oh!
मूवमेंट कर दिया। आखिर वो दिन आ ही गया कि जिसका हमें बरसों से इंतजार था। हुआ वही जो हमने चाहा। हाँ चौधरी, बच्चे सही सलामत वापस लौट आए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी बिमला देवी और तुम्हारे गुड्डों में सुलह सफाई हो गई। चलो भगवान का शुक्र है कि हमें ये दिन देखना तो नसीब हुआ। अरे लेकिन कहाँ है मेरी बहू? अरे भाई बुलाओ ना उसे, मैं उसे शगुन देने आई हूँ। रहने दे उछाइन, अब जब मेरे बेटे की मति मारी ही गई है और उसे भुतनी पसंद आ गई है तो मुझे भुतनी बहू भी स्वीकार है। चाची नब्स। ओ हकीम ताराचंद। क्यों चाची, अब तो नब्स ठीक चल रही है ना? अरे हकीम जी, अब तो तुम अपनी नब्स देखना, मैंने तो उम्र भर के लिए ये मुसीबत तुम्हारे गले बांध दी है। हर गम हम सह लेंगे, तुझे सनम हर घड़ी करो मिस तुझे, दुनिया न जाने
तो सिलसिला प्यार का हो गया अब शुरू। तेरे दिल में हूँ मैं, मेरे दिल में है तू। सिलसिला प्यार का हो गया अब शुरू। दुनिया ना जाने हम तो है ना बस।